और खाने के बाद इसको पैक भी करा के जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो शाने ढाबा है वो हमारी ये थाली है, ये आप देख सकते हो, ये चिली गार्लिक परांठा है। मैं आपको अपने ढाबे की सबसे पहले लाइव किचन दिखाती हूँ। ढाबे की जो शान होती है वो उसकी दाल से होती है। दाल मखनी जो है ये हमारे ढाबे की शान आन और मान भी है हमारा, क्योंकि कोई भी आता है हम उसको बड़े मान से कहते हैं कि हमारी दाल ट्राई करो। दाल बड़ी सिंपल है पर बहुत प्यार से 8-10 घंटे इसको देग में लगते हैं पकने के लिए, उसके बाद ही इसका जो फ्लेवर आता है वो बिल्कुल अलग रहता है। और इसके साथ हमारा ये चना मसाला रहता है। चना मसाला जो है बिल्कुल स्पेशल होता है। अमृतसर के छोले तो आपको पता है वैसे ही बहुत मशहूर है, तो ये सुबह अमृतसरी कुलचे से लेके रात तक आपको 12 बजे तक मिलता है। यहाँ पे हमारी स्पेशल थाली परांठा थाली हर थाली में ये जाता है। ये हमारा राजमा है। राजमा हमारे स्पेशल है, ये हमारे किड्स की जान होते हैं और किड्स मेन्यू के राजमा चावल जो हैं हमारे बहुत अच्छे चलते हैं। राजमा तो छोटे से बड़े सब हर किसी को पसंद है, पर बच्चों को जो ये खा के मज़ा आता है ना, तो हमने ये स्पेशल अपने किड्स मेन्यू की स्पेशलिटी रखी हुई है ये। इसके साथ हमारी ये येलो दाल है। दाल तड़का जो है हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है, क्योंकि कई बार होता है लोगों को लगता है ढाबे का खाना एक बार ही खा लिया, इतना हैवी है दोबारा नहीं खाया जाएगा। उस कश्मकश को दूर करने के लिए स्पेशली हमारे पास ये येलो दाल। हमारे पास लाइट फूड में खिचड़ी अवेलेबल रहती है, पुलाव अवेलेबल रहता है, दाल चावल, दही चावल, दही पुलाव, ये सारे हमारे लाइट फूड के जो हमने एक मेन्यू रखा हुआ है वो रहता है। इसके साथ ये शाही पनीर है। शाही ये नाम से ही है, और किसी भी शाही थाली की या पंजाबी थाली की जो जान होता है वो उसका शाही पनीर होता है। पनीरों का ये राजा माना जाता है, क्योंकि थाली में शाही पनीर उतना इम्पॉर्टेंट है जितनी दाल और चने रहते हैं। शाही पनीर हमारी स्पेशल थाली, परांठा थाली हर किसी में जाता है। इसके साथ हमारा ये मलाई कोफ्ता की ग्रेवी है। ग्रेवी तैयार करके रखते हैं हम काजू और मगज से। इसके बाद इस पर कोफ्ता जो है ऑन द स्पॉट डालते हैं। ये हमारा पनीर बटर मसाला की ग्रेवी रहती है, आप देखो। ये हमारे थाली स्पेशल थाली में कॉम्बोज में या बटर पनीर मसाला विद नान कॉम्बोज में जाता है। तभी आप देख रहे हो थोड़ा कम भी हो गया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसके साथ ये हमारी स्पेशल कढ़ी है। पंजाबी कढ़ी जो है वो बहुत फेमस होती है, और बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं जो आते हैं, जो कहते हैं हमने ऐसी कढ़ी नहीं खाई है। तो ये कढ़ी चावल जो है हमारे बहुत फेमस होता है। इस पर हम जो पकौड़े ऑन द स्पॉट डालते हैं, ये आप देख रहे हो कि ये हमने तड़के वाला घी रखा हुआ है। ये जो घी है ये एंड में जो सारी मतलब सज जाती है थाली, उसको जो एंड जो हमारा टचअप देने के लिए ये घी होता है। ये सारी थाली में हर कटोरी में ऊपर हल्का हल्का जाता है, तो ये थाली की तो और शान बढ़ा देता है। ये आप देख रहे हो जैसे हमारे ये ऑर्डर्स जा रहे हैं। इस पर ये सबसे पहले तो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शान ढाबा है वो हमारी ये थाली है, परांठा थाली ये रहती है। इसमें दाल, चना मसाला, शाही पनीर, रायता, सैलेड रहता है। इसके साथ हमारी ये एक स्पेशल थाली रहती है बटर नान वाली। इसमें आप देख सकते हो ये दाल है, शाही पनीर है, चना है, सैलेड है, राइस है और रायता है। इसके साथ हमारा ये जो अमृतसरी कुलचा है, अमृतसरी कुलचा जो है 8 बजे सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल रहता है। हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ मतलब हमारे पास जैन फूड से लेके, क्योंकि बहुत लोग अब गोल्डन टेम्पल जो आते हैं उनको जैन फूड की भी ज़रूरत होती है। और किड्स मेन्यू हमारा बहुत स्पेशल चलता है, पूरी चने, भटूरा चना, चाइनीज़, साउथ इंडियन। अब हमने मतलब हमारे मेन्यू का एक ये खासियत है कि आपका कोई ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट मेन्यू है तो ब्रेकफास्ट में ही मिलेगा। जो चीज़ हमारे मेन्यू पे अवेलेबल है वो आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मिलेगी। ये आप देख सकते हो ये चिली गार्लिक परांठा है। ये इसके साथ हमारा ये मिंट परांठा है। ये जो हमारे मतलब एक्स्ट्रा जो परांठाज में है ये हमारे रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोगों को वो पसंद आते हैं। अमृतसरी कुलचे आप देख सकते हो, यहाँ पे रात तक लोग खा सकते हैं और खाने के बाद इसको पैक भी करा के जा सकते हैं। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है अमृतसर में आके। मैम एक बार आपकी लोकेशन और टाइमिंग क्या रहती है ये? हमारी लोकेशन बड़े भाई का ब्रदर्स ढाबा है, टाउन हॉल में है। जहाँ से हेरिटेज वॉक शुरू होती है वहीं पर हमारा ढाबा है, और जहाँ बाढ़ साहब दर्शन करके वापस आते हो, हेरिटेज वॉक ख़त्म होती है, हमारा ढाबा आपको वहीं मिलेगा। टाइमिंग्स हमारी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक है। बहुत कोशिश रहती है कि हम लोगों को
मतलब एक अच्छा खाना पूरे दिल से बना हुआ और दिल से खिलाने की कोशिश करते हैं, और एक बार ही जो आता है वो ज़रूर कह के जाता है कि हमें ऐसे लगा कि हम अपने ही किसी के घर में आके खाना खा के गए। तो ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो बाबा जी ने दी है। थैंक यू सो मच।